6,500 किलोमीटर दूर अखिलेश यादव को मिली बड़ी बहन नेताजी की बेटी ने बीजेपी और संघ के चेहरे से पर्दा हटा दिया। बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव को मिल गया बड़ी बहन का साथ, नेताजी के बेटे और बेटी से मोदी शाह की जोड़ी सदमे में। उधर शिवपाल लंका में आग लगाने के लिए कूद पड़े हैं, इधर बड़ी बहन ने भी लगा दी है ललकार, अब बीजेपी में सन्नाटा पसरा है। सब यही दुआ कर रहे हैं कुछ भी करो पर ये जोड़ी मत बनने दो। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी सारी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दो टूक कह दिया है, घर पर मत बैठो, पिछड़ों और मुसलमानों के पास जाओ। विपक्ष अभी भी गठबंधन पर सहमति नहीं बना पाया है। मोदी से मुकाबले के लिए अकेला एक नेता जो बीजेपी को सीधी चुनौती देने की तैयारी कर रहा है वो है धरती पुत्र मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर बीजेपी और मोदी से मुकाबला करना है तो सीधी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का विरोध करना है तो खुलकर करना होगा, तभी बात बन सकती है। अखिलेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जंग तेज करने के लिए टीम का पुनर्गठन किया। चाचा शिवपाल भी एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ गए हैं। पार्टी के पुराने नेताओं को वापस पार्टी में लाने की बात हो या दूसरे दलों के नेताओं को जो बीजेपी को हराने की बात करते हैं उन्हें सपा में जोड़ने की बात, हर मोर्चे पर सब डटे हुए हैं। इसी बीच नेताजी के बेटे अखिलेश को नेताजी की बेटी का साथ मिला है। नेताजी की बेटी के साथ आने से बीजेपी और आरएसएस में बेचैनी छा गई है, लेकिन ये नेताजी की बेटी है कौन जिसके साथ आने से मोदी शाह नड्डा की नींद हराम हो गई है, ये भी जरा जान लीजिए। एक नेता थे धरती पुत्र मुलायम, जिनके पुत्र अखिलेश यादव ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। दूसरे नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, जिनकी बेटी है अनीता बोस। बीजेपी और आरएसएस की स्ट्रेटजी रही है कि जिन भी महापुरुषों का प्रभाव समस्त भारत पर रहा है वो आरएसएस या बीजेपी के हों या ना हों, वो उनका इस्तेमाल अपने चुनावी फायदे के लिए बखूबी करती है। इतनी चतुराई के साथ उनका इस्तेमाल करती है कि जिस पार्टी या संगठन से जुड़े नेता होते हैं वो बचाव की मुद्रा में होते हैं और बीजेपी बड़ी आसानी से उनका फायदा उठा ले जाती है। इसमें कुछ अहम नाम है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, इन सब नाम का इस्तेमाल कर बीजेपी और आरएसएस लोगों से जोड़ती है, लेकिन वास्तविक में ये नहीं बीजेपी से जुड़े थे और न ही आरएसएस से। पिछले कई सालों से सुभाष चंद्र बोस का नाम देकर बीजेपी और आरएसएस वोट बटोरना चाह रही है, लेकिन बीजेपी के इस मंसूबे पर बोस की बेटी ने पानी फेर दिया है। दरअसल 23 जनवरी को कोलकाता में बोस के जन्मदिवस के मौके पर आरएसएस बोस की जयंती मनाने जा रही है। इसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी शामिल होंगे। इससे पहले ही बोस की बेटी अनीता बोस ने कार्यक्रम की आलोचना करके बीजेपी और आरएसएस के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। अनीता बोस ने कहा, नेताजी आरएसएस की विचारधारा के आलोचक थे। उन्होंने कहा, मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू थे लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वो मानते थे कि हर कोई एक साथ रह सकता है। ये मत सोचिए कि आरएसएस इस पे भरोसा करता है। इसके बाद बीजेपी के उस प्लान को झटका लगा जिसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अनीता बोस के इस बयान से साफ हो गया कि नेताजी आरएसएस और उसकी विचारधारा के आलोचक रहे हैं। इससे बीजेपी के खिलाफ मुखरता से अपनी बात रखने वाले अखिलेश यादव को मजबूती मिल गई है। साथ ही आरएसएस और उनकी विचारधारा का खुले तौर पर विरोध करने वाले अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हो गए हैं। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के सामने जिस तरह से अखिलेश यादव और अनीता बोस ने झंडा गाड़ दिया है उससे मोदी शाह के मंसूबे पर पानी फिरना तय है। अब जितनी मजबूती से अखिलेश बीजेपी के सामने खड़े होते जाएंगे बीजेपी की मुश्किल दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। और अभी तो 2024 में साल भर से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे जिससे वो बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबत बनकर उभरेंगे।